हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। होप सो सारिआं ने वधिया होवोगे। स्वागत है जी तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल ते अज दी वीडियो दे विच। अज दी वीडियो बारे जिहड़ी मैं तुहाडे नाल गल करनी सीगी, मैं तुहानूं दस्सिआ सीगा वी आपां प्रैगनेंसी दे विच ठीक आ अपनी स्किन दी केयर किद्दां कर सकदे आ बई, ते किहड़े किहड़े प्रोडक्ट यूज करदे आ, ते मैं जिहड़ा हैगा गा सारिआं चीज़ां केयरां चेंज कीतीआं ने, बिकॉज प्रैगनेंसी दे विच जिहड़ी अपनी स्किन हुंदी आ उह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जांदी आ, ते सेंसिटिव होण करके उहदे उपर आपां ज़्यादा कैमिकल वालियां चीज़ां नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, किद्दां दीआं चीज़ां यूज़ कर सकते हैं आपां, कीड़ी कीड़ी चीज़ मैं यूज़ करदी हाँ, कि तुसीं उह चीज़ां यूज़ कर सकते हो जां नहीं कर सकते, ते आपां मॉर्निंग ते नाइट टाइम स्किन की केयर किद्दां कर सकते हैं, ते आपां प्रैगनेंसी दे विच मेकअप कर सकते हैं जां नहीं कर सकते, वह सारिया गल्लां मैं तुहाडे नाल करनिया सीगियां। तो मैं पहला भी पिछले दोनों ब्लॉगों के तुहानूं कहा सीगा भी बई मैं दसूंगी। ठीक है, पिछले ब्लॉग च भी नहीं दस्या गया, उस तो पिछले ब्लॉग च भी नहीं दस्या गया, तो अज टाइम मिलिया तो अज मैनूं एवें सीगा मैं तुहाडे नाल जरूर शेयर करूँगी भी मैं भी आपदा स्किन केयर आ जिहड़ा सारा चेंज किया गा। ये सिर्फ चेंज किस लई किया गा, बिकॉज प्रैगनेंसी करके, ते तां करके जिहड़े रैगूलर तुसीं पहला मेरियां वीडियोज़ देख के उदा आपदा स्किन रूटीन रख्या होया गा तो तुसी उदा रख सकते हो, पर जिहड़ियां भी लेडीज़ प्रैगनेंट ने ठीक आ उह जे चेंज करना होगा तुसी आपदा स्किन केयर रूटीन तो तुसी चेंज जरूर करो, बिकॉज जिहड़े पहलां वाले प्रोडक्ट सी उहदे विच ज़्यादा कैमिकल सी। ठीक है, तो उन्होंने मैं एक बार लीव इट करता, बिकॉज भी प्रैगनेंसी तो बाद भी वह प्रोडक्ट यूज़ करांगे आपां, क्योंकि इस टाइम पर अपनी स्किन सेंसिटिव बाली हो जाती है, तो आपां उस अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट यूज़ करने पैंदे आ। हाँ जी, तो आप फस्ट तो जोड़ा टोनर हैगा वो यूज़ आप चेंज किया गा, पहला पिक्सी का सीगा, पिक्सी का जोड़ा सीगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग सीगा, तो हूँ जोड़ा किया गा आप चेंज। ठीक है, ग्रीन टी सीड प्रीमियम मॉइस्चराइजर टोनर आप फार्म स्टे का यूज़ किया गा, बिकॉज ये जोड़े होंगे आ नैचुरल चीज़ों तो बनया हों, ये कैमिकल जोड़े है बहुत घट यूज़ होंगे, ये जोड़े कैमिकल होंगे तो आप उदा की ही चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि स्किन सेंसिटिव होने करके भी अपनी स्किन से वह जलन ना करे। ठीक है, ये आप लगा के इदा इनू टैप टैप कर लेंगे, एक रूम का फंबा ले लो छोटा वो उपर लगा के टोनर आप फेस से लगा सकते हैं। इदा इस तो पहला आपां क्लींजन करना हुंदा गा बई, वो तुसी कर सकते हो जिदा मैं करती हुंनी हैगी मैक्स ग्लो दा क्लींजिंग लोशन। ठीक है, वो तुसी जे आपां हुण देखिए हुण दे टाइम प्रैगनेंसी दे टाइम दे विच तुसी कोशिश करिया करो भी तुसी दुध नाल ही करना, मिल्क नाल एक रूई दा फंबा लैके उहदे विच डुबो के, ठीक है, सारे फेस ते चंगी तरह मसाज करके दैन फेस नू वॉश कर लिया। ठीक है, जे फेस वॉश भी तुसी यूज़ करना तो फेस वॉश भी वो यूज़ करो जिदे विच ज़्यादा कैमिकल ना हो, ठीक है, नैचुरल चीज़ों तो बनया हो, जिवें आपां एलोवीरा नाल ही कर सकते हैं, कल्ले एलोवीरा नाल कर सकते हैं आपां जे फेस वॉश करना, जां जिवें सेटाफिल दे आउंदे हुंदे आ बई वो प्रोडक्ट बहुत वधिया हुंदे आ, जां सीबामिड दे हुंदे आ, ठीक है, तो तुसी वो यूज़ कर सकते हो। बाकी तुसी अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लियो भी तुहानूं वो की कहिंदे आ भी तुहाडी स्किन दे अकॉर्डिंग तुहानूं किहड़ा यूज़ करना चाहिए, बिकॉज किसी दे तां एक्ने हो जाते हैं, ठीक है, ये टाइम किसी दे शाइयां ज़्यादा हो जाए ने, आ टाइम ब्लैमिश हो जाए ने, ठीक है, किसी दे सारे फेस ते कालस पै जांदी आ, ठीक है, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स होंदियां ने, जिवें मेरे ब्लैमिश आ ते एक्ने आ थोड़े थोड़े, तो उस दे अकॉर्डिंग मैं ये सारिया चीज़ें यूज़ करती हाँ। बाकी डॉक्टर तो जो मैडिसन लैन जाने तो थोड़ी जी चीज़ें दस भी देंदे होंदे आ भी तुसी आ क्रीम यूज़ कर लो, ठीक है, वह क्रीमा भी लिख के दे देंदे होंदे आ, वो तुहानूं उत्थे ही मैडिकल तो मिल जांदियां होंदियां, जे पिंपल्स ज़्यादा होण ब्लैमिश ज़्यादा होण तां तुसी उहनां नूं दस के उदां दी क्रीम लै सकदे हो। हाँ जी, तो नैक्सट आपां टोनर तो बाद ठीक आ यूज़ करना गा सीरम, बट सीरम जिहड़ा यूज़ करना गा वह विटामिन सी बेस्ड सीरम होना चाहिए गा, ये तुसी थोड़ी स्किन ते किहड़ा सही यूज़ हुंदा गा तुसी वो कर सकते हो अपनी स्किन दे अकॉर्डिंग, विटामिन सी सीरम आउंदे हुंदे आ, ठीक है, ब्लैमिस वास्ते अलग आउंदा हुंदा गा, एक्ने वास्ते अलग आउंदा हुंदा गा, तो तुसी यूज़ कर सकते हो जिहड़ा तुहानूं
सही लग गया। इसे यूज करके चंगी तरह मसाज कर ले। हाँ जी, तो इस तो बाद नैक्सट जो स्टैप हैगा वो आप यूज करते होंगे मॉइस्चराइजर। ठीक है, मॉइस्चराइजर भी जोड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर्म स्टे का कर रही हूँ, फॉर्म स्टे ग्रीन टी सीड मॉइस्चराइजर क्रीम। तुसी कोशिश करो भी जिहड़ी भी चीज़ लिया है ना वो इको ब्रांड की हो। ठीक है, जिमें जे फॉर्म स्टे का मॉइस्चराइजर आ, ये फेस वॉश, ये टूनर, यदि क्रीम, ठीक है, यदा ही सीरम, तो उस तरीके आपकी किट है जी तैयार कर सकते हो। बट मेरे को पहला भी कुछ चीज़ा पगड़ियाँ जड़िया सही सी, नैचुरल सी, जिन्हें कैमिकल नहीं सी इन्ना, तो मेरिया स्किन जी अकॉर्डिंग सही भी सीगा, तो मैं वह भी नाल नाल यूज़ कर रही हाँ। तो मेरी किट जी है प्रॉपर इको ब्रांड की नहीं बनी हुई, तो तुम कोशिश करो भी तुम इको की बनवा लो। बाकी डॉक्टर की जरूर सलाह लो, वो तुम दस देने भी कि एसिड होने चाहिए आ, जिमें भी तुम क्रीम यूज़ करनी है तो क्रीम के किड़े एसिड नहीं होने चाहिए, किड़े होने चाहिए आ, तो उस अकॉर्डिंग आपका पढ़ के उदा का मॉइस्चराइजर, उदा का टूनर, ठीक है, उदा की क्रीम, उदा की सनस्क्रीन तुम लिया सकते हो। हाँ जी, तो आप मॉइस्चराइजर तो बाद हम आप सनस्क्रीन यूज़ करनी है, लास्ट स्टैप आ। ठीक है, तो सनस्क्रीन यूज़ कर रही हाँ, ये अपन डॉक्टर ने रेकमेंड की थी, तो आप चंडीगढ़ तो रोमाबादी तो मेडिसिन लैन जाने होंने, ठीक है, उतों आप जी ये सनस्क्रीन उन्होंने रेकमेंड की थी अपन, तो सनस्क्रीन आप यूज़ करा, तो तुम आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग जी भी तुम दस दे, ठीक है, जिदा मतलब जिदा की ताकि मेडिसिन चलती है तो उस अकॉर्डिंग वो तुम गाइड कर देंगे। तो हम आप सनस्क्रीन यूज़ करा। हाँ जी, सनस्क्रीन यूज़ करने तो बाद जे तुम चाहते हो भी तुम मेकअप कर सकते हो तो कि प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये मैं नैक्सट वीडियो दसूँगी तू। तो यह आप मॉर्निंग स्किन रूटीन, तो इस तो बाद हूँ आप चलें रेडी होकर बुटीक से, तो शाम को आके मैं तेरे नाल नाइट वाला भी दसूँगी, ठीक है, वह भी इस वीडियो के दसूँगी। तो नाइट वाला भी तुम जो स्किन रूटीन फॉलो कर सकते हो, वो आप चीज़ यूज़ करनी है कि नहीं वो भी मैं तुम्हें दस दूँगी। तो सुबह का जो स्किन केयर रूटीन मैं तेरे नाल शेयर करता सीगा, तो हूँ आप शाम को भी तुम्हें मैं दसिया भी नाइट टाइम जो स्किन केयर रूटीन आ वो भी मैं तेरे नाल शेयर करूँगी। तो फस्ट तो आप टोनर यूज़ करना गा, टोनर यूज़ करके आप ये ठीक है कॉटन नाल उमें ही टैप टैप करके लगाना गा। पहला आप घर आके फेस वॉश करना गा, ठीक है, फेस वॉश मैं तुम्हें दसिया आपके अकॉर्डिंग जोड़ा तुम सही लगता गा, जोड़ा तुम डॉक्टर रैकमेंड करे, ठीक है, तो तुम उ यूज़ करना। हाँ जी, तो आप हम ये उपर टोनर लगा लिया जोड़ा आप सारे फेस से लगावे। तो इस तो बाद आप विटामिन सी का जोड़ा सीरम आ वो यूज़ करा, चंगे तरीके अपने फेस से जी ये आप मसाज कर लेंगे विटामिन सी सीरम। सीरम लगाने तो बाद जे तो बहुत ज़्यादा दाग पै चुके हैं पिंपल्स के, ठीक है, जे शाइया बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो डॉक्टर तुम एक क्रीम दे सकते हैं जी तुम उतों ही मेडिकल तो मिल जूगी। तो तुम इस तो बाद अपने उत्थे उत्थे जिते तुहाडे छाइयां होईयां ने जां दाग ने पिंसियां दे उत्थे तुसी ओह क्रीम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्रीम यूज़ करन तो बाद फिर तुसी सौ सकते हो आराम नाल, स्किन जिहड़ी नाइट टाइम स्किन रूटीन हैगा वो आपां इदां कर सकते हैं। तो आप प्रैगनेंसी दे विच भी जे आप कहीए भी आप फेशियल करा सकते हैं जां नहीं करा सकते, तो हाँ तुसी फेशियल भी करवा सकते हो, क्योंकि जिस भी किसी भी तुसी सलून नू ठीक है विजिट करोगे तो जड़ा वधिया सलून होगा वो तुहानू जरूर रैकमेंड करनगे, क्योंकि वो तुहाडी स्किन ते उही चीज़ यूज़ करनगे जिहड़ी कैमिकल ना होवे, ठीक है, हार्मफुल ना होवे, क्योंकि तुहाडी फेस की स्किन है जिहड़ी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है वो टाइम, तो वो तुहाडे उदां दा फेशियल आ जिहड़ा कोई नैचुरल प्रोडक्ट तो बनया होया उही प्रोडक्ट वो तुहाडे ते यूज़ करनगे। तो की तुसी यूज़ करना की तुसी नहीं यूज़ करना वो सलून वाले तुहानू दस भी देंगे, जिमें कि मैं अपने फेशियल आ जिहड़े स्टार्ट किए हुए आ, तो उन्हां विच
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਆਪਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕ੍ਰੱਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਕਿੰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਕਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੀਕਿਅਰ, ਪੈਡੀਕਿਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਥਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਾਟੀਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਕੈਰਾਟੀਨ ਸਮੂਥਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਸਪਾ, ਹੇਅਰ ਸਪਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਕਲਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਹੇਅਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੈਕਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੇਅਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਬਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।